को, इनकी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। इन लाइट फाउंडेशन की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया। 92 बर्थ एनिवर्सरी है अब्दुल कलाम साहब की, और उनको बच्चों से बहुत प्यार था। आज यहाँ पर देख रहे हॉल में सारे बच्चे हैं। कल ये दोनों भाई हमारे पास आए थे, सुशील यादव जी हमारे दोस्त हैं, तो राजेश जी सब कजा मुराजी को भी आ जाना था, लेकिन चूंकि उनके पाँव में फ्रैक्चर है और उसकी वजह से नहीं आया, लेकिन उन्होंने घर पे इन दोनों को दावत दिया, बुलाया, मैं अवार्ड अपने घर पे लूँगा। तो ये प्रोग्राम होने से बच्चों में एक मैसेज आता है, लोगों को पता चलता है कि हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब ने क्या किया था देश के लिए और कितनी बड़ी शख्सियत थे वो, और मिसाइल के बारे में पता चलता है कि उन्होंने इंडिया के लिए जो मिसाइल बनाया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वो। तो ऐसे मैसेजेस बच्चों तक जाना चाहिए, उसके लिए ये कार्यक्रम कई सालों से करते आ रहे हैं। तो मैं इनको बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जितने भी ऐसे प्रोग्राम्स हो उसको अटेंड करूँ। तो मैं शूटिंग से मठ से सीधे इनके पास आया, अब यहाँ से मैं फंक्शन भिवंडी वहाँ जा रहा हूँ। सर, आपको सम्मानित किया गया मोस्ट पॉपुलर सिविलियन अवार्ड से, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के अवार्ड से? कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कितना देखिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, एक मोटिवेशन होता है, और आगे ऐसे नेक काम करने का जज्बा मिलता है, हिम्मत बढ़ती है। तो इनकी वजह से ऐसे जो लोग हम लोग ऐसे ऑनर करते हैं, उसकी वजह से हम बहुत आगे अच्छा और भी अच्छा काम करते हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। सर, आप क्या कहना चाहिए इस कार्यक्रम के बारे में, आपका आकर कैसा लगा आपको? मेरा नाम फैयाज अली खान हुआ और मैं फिल्म एक्टर प्रोड्यूसर हूँ, और ये एनलाइटमेंट फाउंडेशन ने जो अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, अब्दुल कलाम साहब के बर्थडे पे बच्चे लोगों के लिए जो प्रोग्राम रखा है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और बच्चे लोगों को बैग और बुक्स जो फ्री में दिया जा रहा है, मैं इन फाउंडेशन को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा ये ऐसे ही काम आगे करता रहे। सर, आप इस फाउंडेशन से कई समय से जुड़े हैं, इनके कार्यों को आप सराहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये धारावी फाउंडेशन किया है, मुझे मालूम है, और ये लाइटन फाउंडेशन की तरफ से जो कार्यक्रम होते रहते हैं उनको मैं हर कार्यक्रम में जुड़ा रहता हूँ, एंड मुझे मालूम है इनकी जो काम है उनका, उनसे मैं वाकिफ़ हूँ। और इस कार्यक्रम में आज अली खान साहब अपना टाइम निकाल के आ गए हैं, और राजा मुराद साहब भी ऐसे जाने माने हस्ती आ रहे थे, तो एक इसके पीछे राज है कि ये जो कार्यक्रम करते हैं, फाउंडेशंस का काम करते हैं, उसके पीछे जो हस्ती है अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, वो देश की हस्ती है, उनने किस तरह से अपना काम किया है छोटेपन से राष्ट्रपति बनने तक, और उसके स्पेस में उतना कितना काम कर दिया, वो बहुत इन लोगों के लिए और हम सब के लिए बहुमूल्य है, और उनकी शिक्षा के लिए, उनको प्रेरणा के लिए एक आवश्यक चीज़ होती है, तो बहुत मायने चीज़ बनती है। सर, ये आज इस तरह से कम्युनिटी को जमा करके और इसको प्रेरित करने के लिए इन्होंने जो फाउंडेशन ने काम किया है, और ऐसे बड़े बड़े हस्ती लीजेंड एक्टर्स लोग को, सेलिब्रिटी लोग को और हम जैसे लोगों को बुलाते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है, तो उसको एक पॉजिटिव चीज़ समझते हैं, और इस तरह से ऐसे प्रोग्राम बनाए और इस तरह से एक अच्छा माहौल बनाए, एक सुगम सुजलम सबलम देश बने, और इसकी शुरुआत है, ऐसे समझता हूँ। सर, धारावी इलाके में आपने काम किया है, तो अब इस फाउंडेशन का आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में काम करें तो वो कौन सा क्षेत्र होगा, आप कुछ बताना चाहेंगे? सर, मैं इस फाउंडेशन से 3.5 साल से मैं लगातार इनके साथ, इनके जो ये फाउंडर्स है राजन करके, और जितनी भी टीम है उनकी, उनसे मैं जुड़ा हूँ, हर कार्यक्रम में उनके मैं जाता हूँ, और इनका कार्यक्रम मुझे इसके लिए अच्छा लगता है, वो सोशल काम करते हैं, मोटिवेशनल काम करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं। आज जो उन्होंने स्कूल बैग और बाकी चीज़ें बांटे, तो हर महीने में हर प्रोग्राम में इस तरह से बांटते हैं, किसी का डोनेशन और बाकी चीज़ें लेते नहीं है, पर अपने खर्चे से इस तरह माहौल को किस तरह से बदला जाए, किस तरह से सुधारा जाए, इस देश में अमल किस तरह से हो जाए, एक ही यूनिटी कैसे बन जाए, इसका ये सब कुछ एक अच्छी मिसाल है। सर, ऐसा बहुत कम मौका मिलता है जब एक फ्रेम में रियल स्टार और रियल स्टार एक साथ नज़र आते हैं, अली जी हैं और आप भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे अली जी के बारे में? अली जी साहब को मैं क्या बोलते हैं, उसको बहुत सालों से जानती है, दुनिया उनको बहुत सालों से जानती है, एक सोशल वर्कर, एक वुमेन, प्योर सोल पर्सन है वो, और ये चीज़ बहुत अच्छी है कि इतने बड़े आर्टिस्ट लेजेंड होने के बावजूद भी छोटे छोटे हर किसी के इसमें प्रोग्राम में हाजिर होते हैं, तो हमारे लिए गौरव की बात है, और क्या बोलते हैं, उनके लिए एक दुआ की जैसी बात है, उनकी जैसे आदमी को बहुत अल्लाह मालिक उसको दुआ दें और उसको सशक्त बनाए, उनका परिवार से मैं वाकई उनसे मिला हूँ और आज भी उनसे कनेक्टेड हूँ। तो अली खान जैसे आदमी और राजा मुराद जैसे आदमी, या तो और भी कोई एक्टर्स है जो इस तरह के
सोच को, इस तरह के ग्रेविटी को जानते हैं और इस तरह से माहौल को हाजिर रहते हैं, तो उससे बढ़िया काम नहीं हो सकता सर। क्या बोलते हैं उनके लिए सैल्यूट, बॉम्बे पुलिस का सैल्यूट और धारावीवासियों का भी सैल्यूट। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे, अपने इनलाइटन फाउंडेशन के 6 वर्ष पूरे हुए हैं आज, बच्चों के बीच मना रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हर साल हम APJ अब्दुल कलाम सर के बर्थडे मनाते हैं, तो हमारा फाउंडेशन भी ये सेवा साल है, तो हम लोग ये दोनों फंक्शन एक साथ हर साल मनाते हैं। आज हम लोग 60 ईयर्स हुए है, तो ये साल हम लोग 100 बच्चे लोग को धारा में हर एक एरिया में चुन के 5-5 लोग को चुन के आज उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट हम लोगों ने दिए ले। और धारे के जो अच्छे टीचर्स हैं, जो धारे के बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, उनके 10 टीचर लोग को चुन के हमने सम्मान किया है। और धारे के 10 सोशल वर्कर को, जो हर एक एरिया में सोशल वर्क करते हैं हमारे तरह, हमसे भी ज़्यादा करते हैं, तो उनको आज हमने सम्मान किया। और धारावी के 10वीं और 12वीं के बच्चे, तो 80% जो पर्सन ने लिए, उनको हमने सम्मान किए, तो वो सब हमारा प्रोग्राम है, उनके लिए धन्यवाद। सर, आपके दिमाग में कब आया कि क्या देखकर आपने सोचा कि फाउंडेशन की शुरुआत की जाए जिससे लोगों की मदद की जाए? एक्चुअली मेरा वाइफ और मैंने एक बच्चों को गोद लेने का प्लान किया था, तो हम एक्चुअली मेरा ही 2 बच्चे हैं, तो तीसरा बच्चों को क्या करने का, पूरा धारे के बच्चे के लिए अपन हेल्प करेंगे। तो ये हमारे जो मेम्बर्स है, इन्होंने मेरे 6 साल मेरे सपोर्ट में है, और मैं जो भी बोलेगा हाँ बोलते हैं, आप अच्छा करते हैं, तो इनके वजह से ये फाउंडेशन आज आ गए, मेरे वजह से नहीं, क्यों हमारे जो मेंबर 30-40 जो मेंबर है, उन्होंने मेरे लिए इतना सपोर्ट करते कि कुछ नहीं, मेरे को पूछते नहीं आप क्या करते, आप जो भी करते अच्छे करते, तो इनके वजह से आज हम ये फाउंडेशन आज ये हॉल पे हो रहा है, तो उनको मैं हमारा मेंबर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आपकी फाउंडेशन किस तरह से लोगों के लिए कार्य कर रही है उसके बारे में बताइए क्या काम? हम लोग का फाउंडेशन सिर्फ एजुकेशन के लिए करते हैं, और अपना कोरोना का टाइम पे हम लोग ने कम से कम 8000 फैमिली को रेशन बांटे, 8000 फैमिली को हर घर पे, हर एरिया पे हम लोग, हमारा वॉलंटियर ने रेशन पहुँचाया। आपके फाउंडेशन में कितने मेंबर हैं? हमारा मेंबर एग्जैक्टली 50 मेंबर्स है। और कुछ कहना चाहेंगे आने वाले समय में किस तरह से कार्य करने वाले हैं? एक्चुअली हमारा तो ड्रीम है धारावी में फ्री एजुकेशन देने का, एक स्कूल बनाने का, जो हर बच्चों के लिए, जिनके फीस भरने नहीं होता वो बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का। हम लोग ने एक बुक, लास्ट ईयर हम लोग का 5 ईयर्स कम्प्लीट हुआ था, उसके लिए हम लोग एक बुक भी रिलीज़ किए थे, वो बुक में हमारा जो भी है हमने उसमें लिख के, हमारा ड्रीम है धारावी में एक फ्री एजुकेशन देने का। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपके इस प्रोग्राम में अटेंड करने आए, मुंबई में समय नहीं होता, समय निकाल कर आपके प्रोग्राम में आए, आपके प्रोग्राम को खास बनाया अपने जो भी कम से कम 4 घंटे से, जो हमारे चीफ गेस्ट, मेरे चाहने वाले, मेरे दोस्त लोग को चाहने वाले, हमारे मेंबर के चाहने वाले, उन्होंने हर एक तरफ से उन गली में जाके उन सोशल वर्क को बोला कि इधर लेके आए, और उन्होंने जो हमारे 4 घंटे बैठे, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत है कि आज और आगे तक हम और कुछ कर सकते। बाकी आपके जो मेंबर हैं बताना चाहेंगे कौन है? सुरेश बड़ीगरी, और ये आकाश जी है, ये राजू है, ये सुरेश है, ये जोसेफ है, और अपना आयु भाई है, राजू है, मणिक है, ये जो राजू राव है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर, कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे फाउंडेशन के बारे में? जो मतलब छोटे बच्चे लोग के लिए कोई कर नहीं सकता, वो हम लोग से जितनी हो सकती है उतनी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और हमको बहुत अच्छा लगता है ये सब कर रहे हैं। तो बस सर, अपना नाम बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम रवि सोलंकी है, मेरे को 1 साल हुआ जोड़ के, मगर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और ये इस टाइम पे जो छोटे बच्चे लोग को एजुकेशन देना, और आगे भी हम और देते ही रहेंगे उनको, यही हम लोग को छोटे बच्चों को पोषण देना है। थैंक यू सर। किया गया है 6th एनिवर्सरी है इस फाउंडेशन का, क्या कुछ करना चाहेंगे, क्या कुछ गुरु से देना चाहेंगे सर को इसका? नहीं बेटा, என்லைட்டன் ஃபவுண்டேஷனின் 6வது ஆண்டு விழாவும் மதிப்பும் பாரத தேசத்தின் பெயரை உலகைக்கு எடுத்துக்காட்டிய டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் அவர்களின் பிறந்தநாள் விழாவும் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த ஃபவுண்டேஷனை சார்ந்த பார்த்த வகையில் அவர்கள் கடந்த 6-5 ஆண்டுகளாக சிறப்பான சேவையாற்றியுள்ளார்கள். அந்த சேவையில் முக்கியமாக குழந்தைகளின் கல்விக்காக மிகவும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து அவர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் சிறப்பான கல்வி உபகரணங்களையும், ஏழை எளிய மக்களுக்கு வாழ்வாதாரத்துக்கான தேவைகளையும் சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நினைக்கின்ற பொழுது நான் அவர்களை மிகவும் பாராட்டுகின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சி அவர்களின் சேவை தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும், அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். என்னுடன் சேர்ந்து தென்னிந்திய நாடார் சங்கத்தின் மும்பை கிளையின் சேர்மன் மதிப்புக்குரிய காசிலிங்கம் அவர்களும்,
மற்றும் பல சமூகத்தை சார்ந்த பெரியவர்கள் இங்கு வந்துள்ளார்கள். அவர்களெல்லாம் நினைக்கின்ற பொழுது இது ஜாதி சமய பேதமின்றி மொழி மாறுபாடின்றி மிகவும் சிறப்பாக அனைத்து மக்களையும் ஒன்று என்ற எண்ணத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நினைக்கின்ற பொழுது நாங்கள் இந்த ஃபவுண்டேஷனை மிகவும் பாராட்டுகின்றோம். அந்த மன்றம் மேலும் மென்மேலும் வளர வேண்டும் என்று எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். அபி மேரா பாய் நே பாத் கியா தோ பார், மே உஸ்ஸே ஆகே ஜாதா போலனே நான் சொத்தம் ஆர் இத்தனா ஏ மெஹனத் கர்னே வாலா தம்பி போல்தா உஸ்கோ கார்த்திக் இஸ்கா ஏ கார்த்திஸ் இஸ்கோ ஆர்மி பகவான் ஆர்மி உஸ்கோ தாக்கத் தோ இஸ்ஸே படா பச்சலு கே பாரே மே சிக்ஷா கே பாரே மே இஸ்கோ ஜாதா करने के लिए इनको मैं हिम्मत देता हूँ। और हमारा दर हम स्कूल का एक चेयरमैन है, लेकिन हमारे स्कूल के अंदर भी मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। ये सब हमारे जमात के लिए, सब हमारा धारावी 90 फुट में बहुत बड़ा हमारे एक कर रहा हूँ। आज हमारा भाई सर का ये है, भाई बंदी ये हमारा अशोक कुमार जी, हम लोग बॉम्बे में आए कि बहुत साल से रहते हैं, लेकिन इधर ये मेरा भाई सर का ये इतना कर रहा है, इसके लिए फिर भी और उसको ताकत देने के लिए दम उसको हमारे से भी कितना सपोर्ट करने का मैं जरूर करेगा करके आपको लोगों इनके सामने आपको धन्यवाद करेगी। मेरे से बोलने में ये होता है मैं ज़्यादा बोलता ही नहीं, लेकिन मैं ज़्यादा करी वर्किंग में ज़्यादा करता बॉम्बे के अंदर। थैंक यू, शुक्रिया। इनलाइटन फाउंडेशन ने 92 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम साहब, इनके बर्थ एनिवर्सरी पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बच्चों को इनका आदर्श जीवन जो है वो हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा, और इनके लिए हमको उनसे प्रेरणा मिलेगी, हमारे जनरेशन जो है इनके राह पे चलेगा, ये उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पहले तो आप सभी मीडिया को मैंने थैंक्स बोलता हूँ। एनलाइट फाउंडेशन हर साल डॉक्टर अब्दुल कलाम का बर्थडे का एनिवर्सरी बहुत ग्रैंड माना थे। एनलाइट फाउंडेशन का एक ही एम्बिशन है, गरीब बच्चों लोग को स्कूल नोटबुक जितना हो सके उनका फीस भरने का अभी एनलाइट फाउंडेशन ने वो स्टार्ट किया है। तो मैं थैंक्स टू एनलाइट फाउंडेशन का जो प्रेसिडेंट है राजेश कुमार जी, उनको मैं हार्डली थैंक बोलता हूँ कि गरीबों बच्चों के लिए मेडिकल होने दो, मेडिकल लिए भी उन्होंने बहुत सारा हेल्प किया है। और एजुकेशन तो बोलने का जरूरत नहीं, आप धारावी में बहुत सारा NGO है, लेकिन नाम के लिए NGO है लेकिन कोई गरीबों के लिए काम कोई कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जो रास्ते पे गए उसका एक रास्ता राजेश जी ने पकड़ के गरीबों बच्चों के लिए नोटबुक बांटना, मेडिकल कैंप रखना, हर साल ये कार्यक्रम धूमधाम से होता है। थैंक यू।